हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अरोड़ा मॉनिटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूम स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में। अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं या अगर एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे या आप अपना एक कोर्स बना के भी सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक स्क्रीन रिकॉर्डर है। अगर आप एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं या आप अगर एक एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लूम को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर है और साथ साथ में आप अपने लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और आप अपने लेक्चर का एक लिंक भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं और आपका शेड्यूल मैच नहीं कर रहा है तो आप लूम से एक लेक्चर रिकॉर्ड करके उसका लिंक जनरेट करके आप अपने स्टूडेंट को सेंड कर देंगे। आपके स्टूडेंट को किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपका स्टूडेंट आपके दिए हुए लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट आपके लेक्चर को देख सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैंने अपना यहाँ पे लूम ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी स्क्रीन प्लस आप अपना फेस भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ अपना फेस ही शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप फुल स्क्रीन अपना रिकॉर्ड करोगे या कोई एक पर्टिकुलर विंडो, आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऐप करना पड़ेगा या आपको अपना साइज बनाना है या आपको अपना साइज खुद का सेलेक्ट करना है कि आप एक पर्टिकुलर साइज सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूँगा तो मेरी स्क्रीन यहाँ पे रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने इस लेक्चर को या आप अपनी रिकॉर्डिंग को रोक सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में ओपन करूंगा क्योंकि मुझे एक लेक्चर रिकॉर्ड करना है। मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि आप लेक्चर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अपने चैनल में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट व्हाइटबोर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा और आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करके मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो को देख भी सकते हैं। लेट सपोज आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे लेट सपोज मैंने केमिस्ट्री की इक्वेशन लिख दी HCl+NOH। मैथ्स का मैंने कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन लिख दी A² + B² + C². आप अपना पूरा एक लेक्चर इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने एक ब्लैक बैकग्राउंड लगा दिया है तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खान एकेडमी की स्टाइल में है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लेट सपोज आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने वीडियो को स्टॉप करेंगे। हमारी वीडियो यहाँ पे ब्राउजर में ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसके और सारे फीचर आपको बताऊंगा। यहाँ पे वीडियो अभी प्रोसेस में है, वीडियो हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपनी वीडियो देख भी सकते हैं। अब मैं इसके सारे फीचर के बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी इस वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट ट्रिमिंग करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा कितना पार्ट आपको हटाना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे आपको कितना पार्ट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक करके उसे रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिटर्न टू द वीडियो जाऊंगा। अब यहाँ पे अपनी इस वीडियो के जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है मैं उस पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करके कॉपी लिंक क्लिक करके आप अपने स्टूडेंट को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ईमेल आईडी के थ्रू उसे सेंड कर सकते हैं। जैसे आपका स्टूडेंट इस लिंक पे क्लिक करेगा अपने आप ही उसे एक वीडियो ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। इसके लिए आपके स्टूडेंट को किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपने इस लिंक को जो है पासवर्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करके आप सेव करें, सेव करके फिर आप अपना लिंक जनरेट करके अपने स्टूडेंट को सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से कुछ सेटिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी कुछ सेटिंग है कि आप अलाउ करें कि आपका स्टूडेंट या आपका क्लाइंट कमेंट कर सकता है, कमेंट ईमेल नोटिफिकेशन आपको आएगा। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि आप अपने स्टूडेंट को अलाउ करो या डिनाई कर दो कि वो आपके इस लेक्चर को डाउनलोड कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ इसको डिक्लाइन कर दीजिए क्योंकि आपके इस लेक्चर को कोई भी डाउनलोड करके ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकता है। यहाँ पे आप इसे सेव कर दीजिए। आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना थंबनेल भी लगा सकते हैं। लेट सपोज आपको अपना वीडियो यहाँ पे डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एक डुप्लीकेट वीडियो बनानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इस पेज पे ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे इसे एडिटिंग कर सकते हैं या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसमें कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके एक फोल्डर भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, अब यहाँ पे देखिए
यहाँ से भी हम लिंक जो है अपने स्टूडेंट को सेंड कर सकते हैं। अपने वीडियो को आप रिकॉर्ड करके, आप यहाँ पे डाउनलोड करके, आप उसे यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शो होगा कि आपके कितने स्टूडेंट ने आपके वीडियो को देखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो इसे डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। अपना रीजन जरूर बताइए कि आपने इस वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।